करते हैं भ्रष्टाचारियों पर सरकार की कार्रवाई की। सीकर जिले के खंडेला नगर पालिका में कार्यरत अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुढ़ानिया का निलंबित किए जाने के बाद उनके कार्यकाल में हुए कार्यों में की कई वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग अब मुखर होने लगी है। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पर खंडेला नगर पालिका चेयरमैन और पार्षद भ्रष्टाचार की शिकायत पर एसीबी में मामला दर्ज कर जांच की मांग कर रहे हैं। नगर पालिका में करप्शन कांड, अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार की गाज, डीएलबी प्रियंका बुढ़ानिया को किया सस्पेंड, कथित तौर पर विवादों में रहे तत्कालीन चिकित्सा राज्य मंत्री और खंडेला से तत्कालीन विधायक बंशीधर बाजिया का कथित वरहदस्त प्राप्त तत्कालीन खंडेला नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुढ़ानिया पर गाज गिर गई है। नई सरकार ने आते ही भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रियंका बुढ़ानिया को निलंबित कर दिया है। हालांकि प्रियंका बुढ़ानिया के खिलाफ पुरानी सरकार के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के साथ ही पार्षदों से दुर्व्यवहार, मनमाने ढंग से कार्रवाई करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कथित तौर पर बाजिया का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्षदों और चेयरमैन पर कस्बे के विकास को ठंडे बस्ते में डालने, मनमर्जी तरीके से पट्टे जारी करने, दादागिरी से बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाने सहित कई आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन बुढ़ानिया ने किसी की नहीं सुनी। आरोप ये भी है कि मनमर्जी और नियम के खिलाफ कार्रवाई बुढ़ानिया मनमर्जी से करती रही, जिसके चलते पार्षदों, चेयरमैन सहित कस्बे में उनके प्रति आक्रोश है। प्रियंका बुढ़ानिया का जो कार्यकाल रहा इस नगर पालिका में सबसे भ्रष्टतम कार्यकाल रहा। उनके कार्यकाल में नगर पालिका का कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दलालों के थ्रू लोगों के काम होने लगे, मतलब इस नगर पालिका को दलाल चलाते थे, ऐसी परिस्थिति बन गई थी। पार्षदों का कहना है कि बुढ़ानिया ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी थी, पार्षदों से अभद्र व्यवहार किया। ठेकेदार का आरोप है कि बुढ़ानिया ने नियम के खिलाफ ठेके और नीलामी की। पार्षदों और ठेकेदारों ने नगर पालिका में बुढ़ानिया के कार्यकाल में किए गए कार्यों और पट्टे जारी करने की जांच करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष अमित ओढ़ाका ने भी पालिका में भ्रष्टाचार की बात करते हुए कार्यकाल में किए गए घोटालों को उजागर करवाने के लिए एसीबी से जांच करवाने की मांग की है। वहीं नगर पालिका में कार्य कर चुके ठेकेदार सुभाष चंद्र भी अधिशासी अधिकारी और अकाउंट के बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त से कर चुके हैं, जिसकी जांच चल रही है। मैडम प्रियंका बुढ़ानिया और लेखा लिपिक पवन कुमार जी जोशी जी, इन्होंने मेरे से रिश्वत मांगी, मैंने नहीं दी और इसलिए इन्होंने मेरा भुगतान नहीं किया। यहाँ तक कि नगर पालिका चेयरमैन पवन कुमार भी अब नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के खुल के लिए भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही अधिशासी अधिकारी के कार्यकाल के दौरान व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों में बिना किसी नोटिस को एकाएक सीज करने और पैसे लेकर रातों रात सील खोलने के आरोप भी लग चुके हैं। आरोपों की जांच चेयरमैन ने एसीबी से करवाने की मांग की है। इतना ही नहीं, अधिशासी अधिकारी प्रियंका बुढ़ानिया के कार्यकाल के दौरान कई कार्य और भुगतान उनकी बिना स्वीकृति के कर दिए गए। उन सभी मामलों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाए जाने की मांग की गई है। गौरतलब है कि बुढ़ानिया के कार्यकाल के दौरान नगर पालिका पार्षदों और चेयरमैन और ठेकेदारों ने कई बार स्वायत्त शासन विभाग के आला अधिकारियों को इन मामलों की शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रियंका बुढ़ानिया हमारे यहाँ नगर पालिका खंडेला में ईओ पद पर कार्यरत थी, उनको राज्य सरकार के आदेशानुसार निलंबन किया गया है। उनकी कार्यशैली में जब वो जब तक यहाँ रही 12 मई 2017 से लेकर आज दिन तक उन्होंने बहुत अवैध काम किए हैं, भ्रष्टाचार काफी किया है। अधिशासी अधिकारी का निलंबन कर दिया गया है। पार्षदों और चेयरमैन को उम्मीद जगी है कि एसीबी और विभागीय टीमों की जांच में बुढ़ानिया के कुकर्मों का काला चिट्ठा और करोड़ों रुपए के घोटाले पर से पर्दाफाश हो सकेगा। अशोक सिंह शेखावत, जी मीडिया, सीकर।